एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी। आज फिर से मैं आप लोग के लिए हेयर स्टाइल लेके आई हूँ जो कि पतले हल्के बालों में साड़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत से दो बन हेयर स्टाइल हैं, तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा वीडियो देख के। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मेरा सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए जिसका नाम है ड्रेस डिजाइनर प्रीति तिवारी। तो मैं अमेजिंग ब्लाउज डिजाइनिंग की वीडियोज लेकर आते रहती हूँ, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी प्रीति24 है, तो वहाँ पर भी प्लीज़ जाइएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे स्कैल्प बहुत जैसे यहाँ पे दिखते रहते हैं, इस टाइप के लिए भी अभी वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने बालों को टू पार्ट में डिवाइड करूँगी इस तरीके से, मिडिल पार्टीशन लेके। आप चाहो तो ये हेयर स्टाइल साइड पार्टीशन से भी कर सकते हो, और अगर आपके बाल हैवी हैं बहुत ज़्यादा तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेयर असेंसरी भी ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो। मैं बहुत जल्दी ऑर्डर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस तरीके से सारे बालों को, पीछे के बालों को कॉम करके ले लेना है। ओके, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हो यहाँ से, और अगर मेरे जैसे हैं तो आप इतना ही लीजिए, और पतले हैं तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा भी ले सकते हो, जिससे कि आपका जो बालों का वॉल्यूम है वो अच्छा दिखे। तो इस तरीके से करने के बाद से पहले ही आप यहाँ से, जैसे आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं, थोड़ा थोड़ा हेयर खींच लीजिए। जैसे पतले हेयर हैं तो क्राउन एरिया में अक्सर हेयर हमारे झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत अजीब सा लगता है हमारा हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से खींच के आप थोड़ा सा वॉल्यूम दे सकते हो अपने बालों में। उसके बाद से एक रबर बैंड से सारे बालों को अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। सिक्योर करने के बाद जैसे हम लोग ये टाइट करते हैं, तो टाइट हमेशा आप नीचे के बालों से करिए, ऊपर के बालों को छोड़ दीजिए और नीचे के बालों से करिए। उससे आपके क्राउन एरिया पे वॉल्यूम अच्छा रहेगा और फ्लैट नहीं होंगे हेयर। और रबर बैंड लगाने के बाद से अगर फ्लैट हो जाते हैं तो इस तरीके से दोबारा से खींच लीजिए। देन आपके स्कैल्प ये वाले बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो आप सेंटर पार्टीशन रखिए और इस तरीके से कॉम करके एकदम फ्लैट लुक लेके जाइए बालों का। पहले आप पीछे का बन बना लीजिए, जो कि डोनेट से आप बहुत इजीली बना सकते हो। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो डोनेट बन को इस तरीके से रबर बैंड के ऊपर से लगाइए, और बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करके डोनेट बन को हाइड करते हुए एक पतला वाला रबर बैंड ले लीजिए और डोनेट बन के ऊपर से लगा दीजिए उसको इस तरीके से। ओके, जब खुद से बना रहे हो तो ज़्यादा बालों का ज़्यादा जो पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ रखिए, ताकि खुद से बना रहे हो तो डोनेट बन में रबर बैंड लगाने में दिक्कत ना हो आपको। इस तरीके से लगा दीजिए। उसके बाद बैक के हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और इस तरीके से डोनेट बन के चारों तरफ लपेट के यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लीजिए। और जब आप यू पिन लगाते हो तो ध्यान दीजिए कि आपका जो यू पिन है डोनेट बन और स्कैल्प से अटैच होता हुआ रहे, ताकि स्कैल्प में आपका जो बन है वो चिपका रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लुक आता है। फिर इस साइड के हेयर को लेके दूसरी साइड से लेके जाना है और इस तरीके से लपेटते हुए लेके आना है, और डोनेट बन में पहले यू पिन अटैच करना है, फिर स्कैल्प के हेयर में उसके बाद से लगा देना है। ऐसे लगाओगे तो आपका बन जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, मैनेज दिखेगा और लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा। 3-4 यू पिन आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद बारी आती है आपके इन सब हेयर्स की। आप चाहो तो फ्लैट ऐसे ले जाके पूरे हेयर को एकदम फ्लैट लेके जाइए, और स्कैल्प जो आपकी दिख रही है उसको हाइड करते हुए नीचे की तरफ से इस तरीके से लेके आइए और ऊपर की तरफ लाके यू पिन से इसको भी सिक्योर कर दीजिए। आप साड़ी पहन रहे हो तो ये हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा, अगर आपको पल्लू रखना है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा जो बन है उसको थोड़ा सा हाइट देके ऊंचा बना लीजिए और आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लगेगा, और आपको थोड़ी सी हाइट भी मिल जाएगी। और इस तरीके से फ्लैट कॉम करते हुए फिर से सारे हेयर को बैक साइड में लेके जाएंगे और नीचे की तरफ से ला के ऊपर की तरफ सिक्योर करके यू पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद आप इसमें कुछ हेयर सजाने वाले जो फ्लावर्स आते हैं या फिर गजरा ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपके बन को बहुत अच्छा पार्टी लुक मिल जाएगा। शादी फंक्शन में आप बना रहे हो तो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा, और यू पिन से इसको सिक्योर कर लेना। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है, बन हेयर स्टाइल, जो कि
पतले हल्के बालों में और साड़ी के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और जिसके भी पतले हल्के बाल हैं बट इस तरीके से चौड़ी मांग निकलती है या फिर स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिखता है, वो ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप मांग निकालते हो सेंटर की, तो कोशिश कीजिए कि जो आपका क्राउन एरिया का हेयर है वहाँ पे थोड़ा सा बाउंसी रहे, वॉल्यूम रहे। कल परसों की वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्राउन एरिया में, जिसमें कि हेयर्स फॉल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एंड क्राउन एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लैट हेयर रहते हैं उसके लिए भी बताई है, तो वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और इस तरीके से खींच लोगे तो भी आपके क्राउन एरिया में थोड़ा सा वॉल्यूम दिखेगा और आपका जो लुक है बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं दिखेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। शादी पार्टी के लिए ये हेयर स्टाइल आप जरूर ट्राई कर लेना। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसके साथ और भी जुड़ा पिन आते हैं वो ऐड कर सकते हो और भी अच्छा लुक देने के लिए। इस टाइप के फ्लावर वाले यू पिन आते हैं, उनको आप इसमें ऐड करोगे तो और भी अच्छा लुक आ जाएगा आपके बन का इस तरीके से। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो फ्रेंड, सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली मिडिल पार्टीशन करनी है। पतले हल्के बालों में साड़ी के लिए दो बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल बता रही हूँ एंड मिडिल पार्टीशन के साथ भी है। तो इस तरीके से बैक साइड में इसको ट्विस्ट करके ले जाना है और टिक टेक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से आप इसको सिक्योर कर दीजिए बैक में ले जाके। सेकेंड लेयर लेना है। इस तरीके से ट्विस्ट करना है। आप 2, 3, 4 जितने पार्टीशन रखने हैं उतने आप रख सकते हो यहाँ पे। अच्छे से फिनिशिंग लुक के साथ इसको ट्विस्ट कीजिए एंड बैक में इसको सिक्योर कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिनको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता है उनको बनाना है तो ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप बना लोगे और थोड़ा सा आपके बालों को मैसी लुक भी देता है ये हेयर स्टाइल। तो एक साइड का इस तरीके से हो गया, दूसरी साइड भी थोड़ा सा हेयर का सेक्शन लेना है, ट्विस्ट करना है। देन सेम जगह पे जैसे जहाँ पे आपने ये वाला साइड का लगाया था ट्विस्टिंग, वहीं पे दूसरी साइड भी ले जाके क्लिप की मदद से सिक्योर करना है। फिर यहाँ से हमको लेयर छोड़ देना है। ये आप पतले बालों पे भी बहुत अच्छा लगेगा हेयर स्टाइल एंड जिनके हैवी बाल हैं वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं, उन पे भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। थर्ड पार्टीशन लेंगे। इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा स्कैल्प दिख रही है थोड़ा सा हेयर और ऐड कर लो इसमें और बैक में ले जाके क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लेंगे ताकि थोड़ा वॉल्यूम अच्छा दिखे बालों में। और इस तरीके से करने के बाद से आप चाहो तो इसी तरीके से ओपन रख सकते हो बालों को। अगर आप गर्ल्स हो तो ये ट्राई करके आप बालों को ओपन रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी, इधर का थर्ड वाला जो पार्ट था वो खुल गया है तो इसको मैं दोबारा से ट्विस्ट कर लेती हूँ। ओके, अब चाहो तो आप खुला रख सकते हो बाल और चाहो तो इसके साथ एक बन बना सकते हो। तो बन के लिए आप थोड़ा सा हाइट रखिएगा इस हेयर स्टाइल में, तभी अच्छा लगेगा आपका ये हेयर स्टाइल। तो फ्रंट से मैं इस तरीके से लेयर छोड़ दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अच्छे से बालों को कॉम करेंगे, ऊंचा कॉम करके इस तरीके से एक रबड़ बैंड ऐड करेंगे। इसके बाद आप चाहो तो डोनट बन यूज कर सकते हो, सिंपल जैसे मैंने फर्स्ट हेयर स्टाइल में बताया था वैसे ट्राई कर लेना। और चाहो तो ये ऐड कर सकते हो अपने बालों में, तो मैं इससे बता दे रही हूँ क्योंकि डोनट बन से तो आपने देख ही लिया कैसे बनाना है। इसको इस तरीके से सिंपली बालों में ऐड करना है,
थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना है और इस तरीके से नीचे की तरफ से ही फोल्ड करते हुए पूरा ऊपर तक ट्विस्ट करके लाएंगे और जहाँ पे आपका बन है वहाँ पे इस तरीके से घुमाना है इसको और इसको लॉक कर देना है। उसके बाद से जितने भी बन के हेयर हैं इनको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सरकाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको अच्छे से हाइड करते हुए एक यूपिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे और बहुत ईजी तरीके से आप इससे अपना हेयर स्टाइल बना सकते हो। अगर आपको हेयर स्टाइल बनाना अच्छा लगता है तो आप हेयर स्टाइल टूल्स अलग अलग टाइप्स के ले सकते हो, जो कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो इस टाइप की अपलोड की हुई है जिससे कि आपको हेयर स्टाइल बनाने में काफ़ी अच्छा लगेगा और ईजिली आप सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो। जिनको हेयर स्टाइल नहीं आता है वो भी मेरी वीडियोज़ देख के काफ़ी आसानी से कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड बन हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया है, जो कि छोटे पतले बालों में काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से आप बना लोगे। अब इसके साथ भी आप अगेन जो गजरा या फिर जूड़ा पिंस ऐड कर सकते हो। इस तरीके से गजरा ऐड कर लो और अगर आपको गजरा नहीं लगाना है तो आप जूड़ा पिन ऐड कर सकते हो इस तरीके से। साइड साइड से भी ऐड कर लो तो ताकि और भी अच्छा लुक आ जाए इसका हेयर स्टाइल का। और आपको मेरे हेयर स्टाइल कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसके भी हल्के पतले बाल हैं वो मेरा वीडियो देख के हेयर स्टाइल बना पाए और उनको काफ़ी हेल्प मिले। आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है जिससे सबके बाल लगभग पतले हल्के होते जा रहे हैं, तो आप ये सारी वीडियोज़ देख के अपना हेयर स्टाइल बना सकते हो और अपने बालों को और अपने आपके लुक को थोड़ा डिफरेंट लुक दे सकते हो जिससे कि आपको भी बहुत कंफर्टेबल रहोगे एंड आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज का ये हेयर स्टाइल था, आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।